हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसेंट चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैनकोड ECS मिलन T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होने वाला है यहाँ पर ब्रेसिया सीसी वर्सेस जिन्ना ब्रेसिया के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट इसी YouTube चैनल पर कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर केरला यानी कि KCA T20 के वीडियोस मिलेंगे, साथ ही में यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं शारजा रमजान T20 के वीडियोस, और साथ ही में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर IPL के वीडियोस। तो सारे अच्छे मैचेस की वीडियो यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसेंट चैलेंजर, या फिर आप सर्च करिएगा @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे मिलन क्रिकेट ग्राउंड मिलन इटली में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रल और बैलेंस रहेगी, हालांकि यहाँ पर ठीक ठाक रन्स बन जाते हैं, 120-110 के आसपास स्कोर बन जाते हैं। इवन इसी टूर्नामेंट के अंदर 120 के प्लस में भी स्कोर गया हुआ है, एवरेज मैंने 90-110 रन किए, रन सब ठीक ठाक बनते हैं, तो और इतने इसके आसपास ही आपको स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो सबसे पहले से बात करते हैं ब्रेसिया सीसी की, तो ब्रेसिया सीसी ने अभी तक 7 मैच खेली है, जहाँ से 4 मैच वो जीती है, 3 मैच वो हारी है। ओपनिंग में कौन है, तो यासिर डुल्लू और एहसान उल्लाह दोनों ने ओपनिंग करवाया। यासिन ढुल्लो की बात करते हैं, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। और पिछली 3 मैच की बात करूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, पिछली 3 मैच के यहाँ पर परफॉर्मेंस ऐड किए हुए हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऐड किए हुए हैं। तो यासिन ढुल्लो की बात करूँ तो पिछली 3 मैच के अंदर 15, 29 और 1 रन किए, लेकिन इसके पहले वाली मैचों के अंदर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। एज अ प्लेयर तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन इस बंदे को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, अगर यहाँ से ब्रेसिया सीसी पहले बैटिंग करवाती है तो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंसी से आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। ईशान उल्लाह की बात करते हैं, ईशान उल्लाह ओके रहेंगे, इनको थोड़ा सा रिस्की खेलो, किरेंटिक वगैरह खेलो तो ट्राई करिएगा। बाकी बाबर हुसैन वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये बंदे को भी आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। पिछली 3 मैच के अंदर 35-23 और 0 रन किए, ओवरऑल 60 मैच के अंदर करीबन 27 के एवरेज से 1175 रन है, तो इंपॉर्टेंस रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ प्लेयर तो लेके जाना ही, इसमें कोई शक नहीं है, इनको आप लोग एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। अली राजा इस्लाम ने लास्ट मैच के अंदर वॉस नहीं करवाई, बाकी यहाँ पर इसके पहले 2 मैच के अंदर वॉस करवाई थी, जहाँ पर 1 मैच के अंदर उनको विकेट्स में मिली थी। ओवरऑल ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से एडवांटेज दे सकता है, हालांकि पिछली 3 मैच के अंदर मैंने जो ऐसे रिकॉर्ड मेंशन किए, तीनों ही मैच के अंदर ये 0 पे आउट हुआ है। अली राजा ओवरऑल 34 मैच खेले हुए, जहाँ पर करीबन 17 के एवरेज से 459 रन है, 26 विकेट है, और उस दौरान उन्होंने 34 मैच के अंदर 37.2 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई है। अच्छा प्लेयर है, यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं, बैटिंग से या तो बॉलिंग से आपको अच्छा एडवांटेज दे देगा, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो। नासिर हुसैन लास्ट मैच खेले नहीं, तो इनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी रियाज मुद्दसर वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके भी जाना है। इवन डिफॉल्ट कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस, पब्लिक चॉइस यहाँ पर रियाज मुद्दसर हो सकती है। पिछले 3 मैच के अंदर जैसे 33 रन, लास्ट मैच के अंदर इसके पहले 3 विकेट और इसके पहले 4 विकेट, तो आई थिंक यहाँ से बेस्ट पिक रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए, लेके जा सकते हैं ऐसे रियाज मुद्दसर को। इमाद खान 50 मैच के अंदर करीबन 16 के एवरेज से 561 रन है, देखो लास्ट मैच के अंदर वो थोड़ा सा नीचे खेला, लेकिन इसके पहले उन्होंने ओपनिंग करवाई थी, तो इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, भरोसे लायक प्लेयर है इमाद खान को हम लोग लेके जा सकते हैं। नवीद चौधरी ओके ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे। कलब सज्जाद की बात करते हैं, कलब सज्जाद ने पिछली 3 मैच के अंदर परफॉर्मेंस दिए हुए, भाई कंटिन्यूसली यहाँ पर विकेट्स निकालिए, ओवरऑल 50 मैच के अंदर 30 विकेट ही थी, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट, इसके पहले 1 विकेट, इसके पहले 1 विकेट, और ओवर्स भी पूरी करवा रहे, तो ऐसे इंपॉर्टेंस रहेंगे कलब सज्जाद। राइट आर्म स्लो गेंदबाजी करवा रहे थे, राइट हैंडेड बैटिंग करवा रहे थे, बैटिंग से इतनी ज़्यादा उम्मीद है नहीं मुझे, लेकिन बॉलिंग से आपको अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं। हसन नवीद ने 11 मैच के अंदर 9 विकेट निकाली हुई है, और लास्ट मैच के अंदर उनको विकेट भी निकाली एक, और साथ में यहाँ पर 20 रन भी किए, तो भरोसा कर सकते हैं ऐसे राइट आर्म स्लो गेंदबाज है ये भी। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं हम लोग ऐसे इमरान नवीद भी आप पूरी ओवर्स करवा रहे हैं, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, डेथ ओवर्स वगैरह में आ सकते हैं। 30 मैच के अंदर 23 विकेट निकाले हुए हैं, हालांकि पिछली 3 मैच के इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, लास्ट मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, डिफरेंस लेवल में ट्राई कर सकते हो, अगर कोई चॉइस नहीं मिलती तो आप लोग यहाँ पर इमरान नवीद के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे जावेद मोहम्मद भी पिछले 2 मैच के अंदर विकेट्स निकाल रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसे हसन नवीद यहाँ से हम लोग लेंगे यहाँ पर हसन नवीद,
इमरान नवीद और ऐसे जावेद मोहम्मद, तो इन तीनों में से कम एक या दो गेंदबाज को जरूर ट्राई करिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग रिस्क ले सकते हो, किसी भी प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको भी आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना रहेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जिन्ना ब्रेशिया ने 8 मैच खेली है, 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। ओपनिंग में कौन है? तो असद तनवीर और शाहरुख नवाज दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं। असद तनवीर ने लास्ट मैच में 47 रन भी किए थे, ओवर्स पूरी करवा रहे हैं और साथ में ऐसे बैटिंग से भी ओपनिंग करवा रहे हैं। ओवरऑल 16 मैच के ना करीबन 27 के वजह से 370 रन है। बैटिंग से लास्ट मैच के ना 47 किए, इसके पहले 2 मैच के ना कुछ खास नहीं किया, और ये ओवर्स वगैरह करवा रहे हैं तो एज अ प्लेयर से इंपॉर्टेंस रहेंगे। बहुत सारी पब्लिक इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकती है, आप लोग भी चाहो तो कर सकते हैं। शाहरुख नवाज ओके रहेंगे, ये थोड़े से रिस्की टाइप के पिक है क्योंकि रिसेंटली फॉर्म इतना अच्छा नहीं है। 36 मैच के ना करीबन 21 के एवरेज से ऐसे 601 रन किए। लेफ्ट आर्म ऑफ ऑर्डर गेंदबाजी भी करवा लेते हैं, लेकिन बॉलिंग करते नहीं तो ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं इसकी बॉलिंग से, तो कोई बात नहीं। ऐसे बैटिंग से हम लोग इनसे उम्मीद करेंगे, बॉलिंग से ओके रहेंगे। शाहबाद मसूद को रिस्की खेलो, ग्रैंड लीग वगैरह खेलो तो ट्राई करिएगा। बाकी मिर्जा उमेर को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा पिछली 3 मैच के अंदर। अकेला से रिजवान तनवीर के ओवरऑल आंकड़े काफ़ी अच्छे हैं, 19 मैच के अंदर करीबन 30 की एवरेज से 266 रन है। भरोसे लायक प्लेयर है, भरोसा कर सकते हैं। कल वैसे वसीम अहमद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस रहेगी। यहाँ पर बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से अच्छा कर रहा है, यहाँ पर 15-16 रन किए। यहाँ पर विकेट्स की बात करो तो लास्ट मैच के 4 विकेट, इसके पहले 1 विकेट निकाला, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा एज अ प्लेयर। इनको आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। रिजवान मोहम्मद थोड़े से रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करने हैं। इनके अलावा गुलाम फरीद भी ठीक ठाक है, ऐसे पहले मैच के अंदर 1 विकेट निकाला, इसके बाद ठीक ठाक है। ओवरऑल 37 मैच के अंदर 25 विकेट है। राइट हैंडेड बैटिंग के साथ साथ ऐसे राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाजी करवाते हुए दिखेंगे आपको गुलाम फरीद। सुखविंदर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये बिलोंग करते हैं इंडिया से, जो बाकी के जसविंदर सिंह और सुखविंदर सिंह दोनों ही इंडिया से बिलोंग करते हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाजी ऐसे सुखविंदर सिंह, जिन्होंने पिछली 3 मैच के अंदर 3 विकेट निकाले, ओवर्स पूरी करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंस रहेंगे। यहाँ पर डेथ ओवर्स वगैरह में आने की संभावना है। रुखसार अहमद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इस प्लेयर को मिस मत करना, विकेट टेकर गेंदबाज है। ओवरऑल 52 मैच के अंदर 51 विकेट है, टीम के कप्तान भी है और भरोसे लायक प्लेयर है, लेके जाना है। जसविंदर सिंह भी ऐसे पिछली 3 मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, तो यहाँ से देखो यहाँ पर आपके पास 3 चॉइस है और इन तीनों में से कम 2 प्लेयर्स को आप लोग जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि तीनों यहाँ पर विकेट टेकर गेंदबाज हैं और तीनों यहाँ पर कभी भी आपसे 1-2 विकेट लेते हुए आपको दिखेंगे। तो इन तीनों में से कम 2 गेंदबाज को आपको जरूर लेना है। इनके अलावा बेंच से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा देंगे, ताकि आपको आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की। तो जल्दी से जाना है आपको, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पर यासिर टुल्लू और उमेर को दोनों को लिया है। आप लोग चाहो तो ऐसे उमेर की जगह पर किसी एक गेंदबाज को ज़्यादा ले सकते हो, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर ए तनवीर है, इनके अलावा से बी हुसैन है और यहाँ पर आर मुदस्सर हमारी टीम का हिस्सा रहने वाला है। बाकी अदर चॉइस की बात करते हैं, ऐसे एस मसूद को आप लोग ट्राई कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर वसीम अहमद है, अली रजा इस्लाम है और यहाँ पर क्यू सज्जाद हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी प्लेयर को आप लोग ऐसे आई खान रिस्की रहेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर आर अहमद है, इनके अलावा ऐसे जे मोहम्मद, इनके अलावा ऐसे एस सिंह को मैंने लिया हुआ है। अभी आप लोग क्या बदलाव कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो उमेर की जगह पर हम लोग यहाँ पर गुलाम फरीद को ले सकते हैं। गुलाम फरीद के यहाँ से पिछली शुरुआत इनकी अच्छी रही थी, इनको ट्राई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर जसविंदर सिंह को भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं, या तो गुलाम फरीद को या फिर ऐसे जसविंदर सिंह, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। बाकी रुखसार के ऊपर मैंने भरोसा किया, आप लोग रुखसार की जगह पर भी यहाँ पर जसविंदर सिंह को ले सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी हमारी कि आर मुदस्सर कैप्टन रहेंगे और वसीम अहमद हमारे वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। इनके अलावा ऐसे क्यू सज्जाद को आप लोग ट्राई कर सकते हैं और बैटिंग सेक्शन से अगर भरोसा कर सकते हो ऐसे इन दोनों प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो। थोड़े से रिस्की रहेंगे लेकिन ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं और कभी भी आप पर अपनी पारी को 60-70 रन की पारी में तब्दील कर सकते हैं, तो भरोसा कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, याद रहे ये जो टीम है ये डेमो टीम है, फाइनल आपको टेलीग्राम में मिलेगी फाइनल लाइनअप के बाद, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इनकेस अगर लिंक वर्क नहीं करता तो टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटेसी डिसेंट चैलेंजर और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसके ज्वाइन कर लेना। बाकी
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, और साथ ही में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग क्या करोगे, पूरा वीडियो देखो, अच्छे से एनालिसिस करो और अच्छे से अपने खुद की टीम बना के अच्छी खासी विनिंग करते रहो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।